तो स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक ठाक हो गए। यार बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा फर्स्ट ब्लॉग इतना पसंद किया और मैं आशा करता हूँ कि आप सेकंड ब्लॉग भी मेरा उतना ही पसंद करोगे। और देखो भाई, मैं धीरे धीरे माहौल में ढल रहा हूँ, तो वीडियो मतलब एक ही प्लेस से आ रहा है, आप लोग ये मत सोचना, क्योंकि मैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा हूँ। तो और आप लोगों का सपोर्ट धीरे धीरे मिल रहा है, जैसे पहला मेरा फर्स्ट वीडियो में उतना सपोर्ट मिला ना, सेम वही सपोर्ट मेरे को दिखाओ इस वाले वीडियो में भी, पता है आप लोग कर सकते हो। यार आगे बढ़ते बढ़ते एक बात बोलूं आपसे, यार जो सफर का मजा है ना भाई, डेस्टिनेशन को पाने को मजा नहीं कहते, पर मैं मजा मिलता है ना, जो सफर में सीखने को मिलता है ना, उसे मजा कहते हैं। और हमको एक्चुअली में क्या सीखने को मिला है पता है? ये देखो यार, यहाँ पे चल रही है धान की खेती। आसाम में धान की खेती भाई आप लोग ऑब्वियसली जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो देख लो, अभी फिलहाल धान की खेती चल रही है। तो बस वही देख रहा था यहाँ पे ठहर के, इसलिए बोला यार सफर का मजा जो है ना डेस्टिनेशन पाने में नहीं है, देखने में है, क्योंकि बहुत कुछ सिखाता है सफर। डेस्टिनेशन के बहुत ही करीब है और ये बाज़ार, हम एक बाज़ार में रुके हैं यहाँ पे, चौक मान लो चौक पे रुके हैं, और चौक का नाम है लक्की बाज़ार जो पड़ता है बक्सा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और फिलहाल हम लोग यहाँ पे रुके हैं इसलिए कि कुछ खाने पीने के सामान ले लेते हैं, और यहाँ से डेस्टिनेशन बहुत ही नज़दीक है, तो बस बताएंगे नहीं, क्योंकि पता है भाई सस्पेंस जो है ना, सस्पेंस में बहुत ही मज़ा आता है, और सस्पेंस भाई खोलना अच्छा नहीं लगता, बस खोलेंगे, बहुत नज़दीक है। तो बस यही था, मार्केट देख सकते हो लक्की बाज़ार, अभी आज संडे है तो सारा कुछ बंद है, एक दो दुकान खुला है, तो वहीं से कुछ लेते हैं और बढ़ते हैं अपने सफर में भाई। तो भाई ये जो टर्निंग देख रहे हो और ये जो गांव देख रहे हो, ये गांव का नाम है भाई कामार दिशा, और इसी रास्ते से आपको मतलब उस डेस्टिनेशन तक जा सकते हो, मतलब डेस्टिनेशन बता ही देता हूँ। चलो डेस्टिनेशन का नाम हो गया भाई दावधारा, दारा गाँव नहीं, दावधारा। तो हम लोग फिलहाल जा रहे हैं दावधारा जो नदी है उसके किनारे, और ये हो गया गाँव भाई, इतना प्यारा गांव है यार, हरी भरी हरियाली हरियाली चारों बगल, वो तो गलत वाली हरियाली मत समझ लेना तुम लोग, और यार मतलब नेचर की बात कर रहा हूँ, देख सकते हो ठंडी हवा चलती है यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है यार। इसी गांव के अंदर होते होते, अंदर से होते होते आपको वहाँ तक जाना है, इस साइड से जाना है, इस साइड से जो गाड़ी इधर गई ना उधर नहीं जाना है, इस साइड से जाना है आपको, वो मेन हाईवे से भी आप लोग जा सकते हो, लेकिन इधर का जो नेचर है ना वो नहीं मिलेगा उस साइड से, इसलिए हम लोग ये वाला रूट चूज़ करते हैं, क्योंकि ये वाला रूट में मज़ा आता है भाई। फाइनली पहुंच चुके हैं दावधारा, प्लेस का नाम है दावधारा, पिकनिक स्पॉट है, और दारा गाँव बहुत लोग जा रहे हैं, और यहाँ पे भी पानी आती है भूटान की ओर से, प्लेस भी अच्छा है, बहुत कम भीड़ है यहाँ पे, इसलिए मैं ये डेस्टिनेशन चूज़ किया, बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो बता देता हूँ ये डेस्टिनेशन पड़ता है आपका भूटान बॉर्डर जो है ना, इंडिया भूटान बॉर्डर, उससे पहले पड़ता है ये प्लेस, तो उसी प्लेस में हम लोग फिलहाल हैं। और आप लोग बार बार पूछोगे यार हर बार नेचर के पास नेचर के वीडियो, देखो मैं एक नेचर एडिक्टेड बंदा हूँ और मुझे नेचर में आके बहुत ही मज़ा आता है, नहीं पहाड़ों के बीच में नदियों के पास आके बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत जल्द मैं दूसरे कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, अभी तो ये सेकंड वीडियो है मेरा, तो बस आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, भोले बाबा की कसम मचाएंगे दवाई। यार फाइनली हम लोग वहाँ से आ चुके हैं, और फिलहाल हम लोग रुके हैं वृंदावन करियन रेस्टोरेंट, यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे चाय नाश्ता करके, और वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं, सेकंड ब्लॉग है, धीरे धीरे कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे तक बढ़ेंगे, और साथ में हमारा के सी मतलब कुमार कृष्ण, और साथ में तिरिदा पिंकू, ये लोग थे। तो भाई फिलहाल वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लोग कर सकते हो क्या क्या पता है, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, तो बस इतना कर देना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और मिलते हैं आपको किसी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।